ईश्वर का मनुष्य को खत। मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट तैयार होकर चाय पीने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम नहाकर मुझे याद करोगे, पर तुम इसी उधेड़बुन में लगे रहे कि आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और ऑफिस के कागज इकट्ठा करने के लिए घर के इधर उधर दौड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ख्याल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुम अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में बैठे, तो मैं समझ गया कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे। पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल में, और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा तुम मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छे से होने लग जाएंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली बैठे थे, कुर्सी पर पूरे 15 मिनट तुम यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के समय जब तुम इधर उधर देख रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम खाना खाने से पहले एक पल के लिए ही सही मेरे बारे में जरूर सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन का अब भी काफी समय बचा था। मुझे लगा शायद इस बचे हुए समय में हमारी बातचीत हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। जब वे काम निमट गए, तो तुमने टीवी खोल ली और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात थक कर तुम बिस्तर पर आ लेटे, तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मारकर ही रह गया। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। हर रोज मैं इस बात का इंतजार करता हूं कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे भी धन्यवाद करोगे। पर तुम तभी आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे सामने रख बस चले जाते हो। और मजे की बात तो ये है कि तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं, ध्यान तुम्हारा तब भी लोगों की तरफ ही लगा रहता है और मैं इंतजार करता ही रह जाता हूं। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। तुम्हारा ईश्वर।